वो इनिशियल पॉइंट का मतलब है कि है सबका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम है। हाँ, को इनिशियल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मीट एट अ पॉइंट, यहाँ पर मिल रहे हैं वो, ठीक है ना, यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, आप कुछ और ले लो तो भी आंसर सेम आएगा। हाँ, आंसर सेम आएगा। भाई लड़का कह रहा है अभी ए को, इसी वेक्टर को ए से क्यों मल्टीप्लाई किया, इस वेक्टर को करो 2a से, इस वेक्टर को करो 3a से और इसको करो a से, तो भी अगर आप जोड़ेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, सवाल इस तरह से बनाया जाता है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। हाँ, वेक्टर बदल जाएंगे पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वेक्टर्स 3i + j -2k, बी वेक्टर्स -i + 3j +4k, सी वेक्टर्स 4i - 2j -6k कॉन्स्टिट्यूट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, then length of median bisecting vector C is 294 अरे लिखो, मैं यही देख रहा था, मुझे लग रहा था कोई पकड़ा गया। लिखो भाई, लिखो भाई। जब भी आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हो, जब भी आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हो और बोल रखा हो कि ट्राइंगल का साइड क्या है, ठीक है, ट्राइंगल का साइड क्या है, तो पता ही नहीं चला। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं सुना तुमने कभी? चोर की दाढ़ी में तिनका सुना तुमने कभी? सुना है? तुम्हारी दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ी गई है। वेक्टर्स ABC, तो जब भी आपको तीन वेक्टर्स दिखाई दें, जब भी आपको तीन वेक्टर्स दिखाई दें और यू नो दे रखा हो कि वो ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बताइए आप क्या देखेंगे उसके अंदर, उन तीन वेक्टर्स में क्या देखेंगे? दो परपेंडिकुलर। हाँ, कोलिनियर। देखो बताओ ABC कैसा है, इनको इनमें ABC में कुछ करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ करोगे क्या भाई? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर कितना आ रहा है? सी वेक्टर आ रहा है। बी प्लस सी कर लो ना, कोई बात नहीं, अगर सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो बी और सी ऐड कर लो। बी प्लस सी कितना आ रहा है? आ गया क्या? आ गया। लिखो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। तो क्या क्या हो सकता है? कई सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं। आइदर यू कैन गेट इस प्रकार का आपको मिल सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार का आपको मिल सकता है कि ओरिएंटेशन वेक्टर्स का इस तरह से कि तीनों का वेक्टर सम कितना आ गया? जीरो, ठीक है। वो सारी बातें जो तीर पर डिपेंड करेंगी, आपने तीर इधर चलाया, फिर आपने तीर चलाया तो उसने भी तीर चलाया, ठीक है ना, और ये तीर क्या है, फिर बस घर बन गया अपना, ठीक है ना।
तो ये आपका वेक्टर सम कितना आ गया, जीरो आ गया ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो। ये कब आएगा, जब ऐसा होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी जीरो। पर कई बार घर नहीं बन पाते ना आपने तीर चलाया, आपका तीर जो है मिस फायर हो गया एक्चुअली ठीक है। ए वेक्टर प्लस अभी क्या था, बी प्लस सी धारा क्या, बी प्लस सी था ना, बी वेक्टर सी वेक्टर और ये उसका भाई आ गया ये बी वेक्टर सी वेक्टर और ये कितना है आपका ए वेक्टर, है ना। लिखो, तो ओरिएंटेशन दो टाइप के हो सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी आपके तीन वेक्टर एक ट्राइंगल बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा, खुद ही चेक करना पड़ेगा कि इस प्रकार का सिचुएशन है या इस प्रकार का सिचुएशन है। मोर ओवर बच्चों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन इस चीज़ में भी होता है कि एक तो क्या होता है, वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट है ना, ये वेक्टर दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक लैंग्वेज है। दूसरा लैंग्वेज ऑफ कोर्स ये है कि यू नो दीज आर द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ पॉइंट, है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कहीं पर ओरिजन है और ओरिजन को जो अपन ने ए से जोड़ा है, तो ओ ए वेक्टर कितना है, आई माइनस जे माइनस थ्री के, तो इस बात में फ़र्क है ना, ओ ए वेक्टर है ये तो आपका, है ना ये। और साइड कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ, साइड कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब ये हुआ, मैं नहीं जानता ये पॉइंट कौन है, मैं नहीं जानता, है ना, मैं नहीं जानता ये पॉइंट कौन है, पर ये मैं जानता हूँ कि जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिस माइनस दिस सबट्रैक्ट किया गया तो कितना आएगा, थ्री वन और माइनस टू, आई बस समझ में, है ना। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये वाली चीज़ आपको दे रखी है, वहाँ पर क्या दे रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं। बात तो में फ़र्क समझ में आ रहा ना, हाँ ठीक, चलो तो अब खुद करो भैया, अब आप कर सकते हो इसको, आपको सारी बात समझ में आ गई। लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्टिंग वेक्टर सी बी, सी कहाँ पर है, ये रहा, इस पर मीडियन डाल दिया आपने, ये वेक्टर बना लिया। तो अगर आपको साइड लेंथ निकालनी है, क्या आप ट्राइंगल की साइड लेंथ बता सकते हैं, व्हाट आर द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल, इसी का मॉड निकाल दो, इसका मॉड साइड लेंथ, इसका मॉड साइड लेंथ, इसका मॉड साइड लेंथ, ट्राइंगल की साइड लेंथ क्या होगी, जो वेक्टर ट्राइंगल की साइड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड ही उस ट्राइंगल की साइड लेंथ है, ठीक है ना। क्या वहाँ पर आप ट्राइंगल की साइड लेंथ कैसे निकालते, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, या पॉइंट माइनस पॉइंट जब आप वेक्टर बनाते तो उस वेक्टर का मॉड ले लेते, है ना। जैसे आपने अगर साइड ए बी निकालना है तो ए बी वेक्टर लिखो, उसका मॉड ले लो इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर वो चीज़ दे रखी है, आप यहाँ पर पॉइंट माइनस पॉइंट दे रखा है, ठीक है, फिलहाल तो साइड लेंथ निकालने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था ये वाला वेक्टर लिख के बताओ, ये वाला वेक्टर लिख के बताओ, अरे सही में नहीं लिखना है, ओरली बता दो भाई, तुम तो लिखने का मतलब ये होता है कि चलो लिखने बैठ जाए, आराम से लिख रहा, ये मिड पॉइंट है ना, तो भैया अगर ये वाला वेक्टर जो है इसको सी बोलेंगे तो ये वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, सी बाई टू, सी बाई टू, हाँ कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है सी बाई टू। अब आप इसमें ट्राइंगलो लगा सकते हैं ना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इसमें ट्राइंगलो लगा सकते हैं, यो गया ये वेक्टर बी, फिर यहाँ से भी यो गया, कितना आ गया सी बाई टू, तो यहाँ से यहाँ जाने का अर्थ ये हुआ ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ना, तो मीडियन अगर कुछ बोल दें, अगर मान लो ए एम बोल देते हैं, तो ए एम वेक्टर इज एक्चुअली बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन टू, ये मीडियन, इसी का मॉड ले लोगे तो आपका मीडियन का लेंथ आ गया, ठीक है। आप ये भी करें ना, ए माइनस सी बाई टू करोगे, क्योंकि ये दिशा क्या है, माइनस सी, ये दिशा सी है, ये माइनस सी है, तो ए माइनस सी बाई टू से भी आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएंगे वो, ठीक है। आंसर बताओ, आंसर सी बाई टू कितना आ रहा है, चार एक, तो आपकी इच्छा है लैंग्वेज। अब आप, आपको आईआईटी ऑब्जेक्टिव है, आईआईटी पे भी पता है ना ऑब्जेक्टिव है, तो मैं अगर ये लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं ये लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के। पर बेटा अगर मैं यही लिखता रहूँगा ना ये आई कैप, फिर तुम बोलोगे सर ऐसा करो टोपी भी लगाओ हर बार, है ना, आई कैप जे कैप के कैप, तो वो तो बस फिर वेक्टर नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं, फिर तो वो यही करता रह जाऊँगा मैं, हाँ ये और प्लस कितना है सी बाई टू, सी बाई टू कितना आ रहा है, टू माइनस वन थ्री, माइनस थ्री जोड़ा इनको कितना आ रहा है, वन और कितना आ रहा है, टू आ रहा है और वन आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट सिक्स, सही है। तो मीडियन, मीडियन वाला वेक्टर क्या है, आई प्लस टू जे प्लस के, पर इतना कौन लिखेगा भाई,
बार बार आई टू जे थ्री के, इसकी जगह आप क्या लिख दो, वन टू वन लिख दो। मैं बार बार ऑर्डर ट्रिपलेट लिखूंगा, ठीक है, याद रहेगा मेरा ये यू नो शॉर्टकट है या कन्वेंशन है, मेरा लिखने का तरीका है, लिखा आई प्लस टू जे प्लस के ही है पर मैंने ऑर्डर ट्रिपलेट में लिख दिया है, ठीक है ना। क्या ऑलवेज गोली मारने के लिए टांग पकड़ने के लिए रेडी, पॉइंट ए ये मैंने तो बस है। मैं लिख लो आगे कुछ वेक्टर लॉ है, लॉज ऑफ वेक्टर लिख लो, लॉज ऑफ वेक्टर, वेक्टर लॉज। जो मैं पहली बार लिखवा रहा हूँ, मैं लिखवाता नहीं हूँ ये, ठीक है ना, अंडरस्टूड ये, और अपन इन सारे वेक्टर लॉ का इस्तेमाल कर ही चुके हैं अपन, ठीक है ना। हाँ लिखो ए प्लस बी कितना होता है, बी प्लस है, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊँ, ठीक है ना, ठीक है, आगे लिखो। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हम दो हमारा एक, ए वेक्टर प्लस जीरो इज इक्वल टू ए वेक्टर। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, जीरो ऐड करो या कुछ नहीं, ठीक है। हाँ भैया मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, ठीक है, ए माइनस से कितना आएगा, जीरो, सही बात है ना भाई। लिखो भी और लॉज लिखो, एम इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू एम, है ना, ऐसे भी लिख लो, टू ए वेक्टर या ए वेक्टर इंटू टू एक ही बात होती है, दोनों लिखे जाते हैं, दोनों ही आपके यू नो क्वेश्चंस में पाए जाते हैं। टू आई कैप लिखा है कई बार, आई के राइट साइड में, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो उनके लिए ही है ना। हाँ भाई आगे लिखो, एम इंटू ए प्लस बी, एम इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, ठीक है, कन्वेंशन है इस तरह से लिखने का। आगे लिखो स्लोपिंग एंगल, ये लॉ नहीं है, ये एक कन्वेंशन है, स्लोपिंग एंगल ऑफ अ 2D वेक्टर। क्या कई बार कई सारे सवाल जो है आपके 2D वेक्टर के होते हैं, तो उनमें कई बार ये टर्म यूज होता है स्लोपिंग एंगल। लिखो एंगल ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका मान लीजिए एक पॉइंट है 2,3, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला वेक्टर है ना, वो ये वेक्टर कितना हो जाएगा 2i + 3j, ये आपका वो ये वेक्टर हो जाएगा 2i + 3j। ये वाला एंगल थीटा जो है इसी को कहते हैं इस वेक्टर का स्लोपिंग एंगल, ठीक है ना, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं ना, आप जानते हैं ये कितना जाएगा आपका, ये कितना आएगा 2, ये 3, तो स्लोपिंग एंगल क्या है, 10 inverse 3/2। लिख लो स्लोपिंग एंगल इज इक्वल टू, स्लोपिंग एंगल इज इक्वल टू 10 inverse 3/2।
आगे लिखो, अगला टाइटल है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। डेफिनेशन लिखो, पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस, विद ट्रायंगल बेस। पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस है ना, तो आइए मैं बनाए तो यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसके अंदर काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। और सबसे सिंपल जो आपने टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल देखा हुआ है वो है मीथेन, याद है मीथेन का स्ट्रक्चर CH4, कार्बन एटम एट सेंटर, और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कहाँ पर है, वर्टाइसिस पर है, जो फिगर उसके वर्टाइसिस पर है, ठीक है। वैसे ही टेट्राहेड्रॉन है, बस मैं आपको जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, हाइड्रोजन एटम्स का जो लोकेशन है वो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, वो इसके क्या हो जाएंगे, जैसे ट्राइंगल के तीन वर्टाइसिस होते हैं ABC, इसे कितने आएंगे, चार, तीन तो फर्श पर, बेस क्या है ट्राइंगल, और एक आपका हवा में होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जो ब्लू है वो आपका फर्श पर है, और जो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये हवा में है ना। बनाओ, क्या खुसर खुसर कर रहे हो, क्या तुम भी स्कोर जानने की कोशिश कर रहे हो। हाँ देखो भाई, इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है ना, कैसे लिखते हैं बेटे इसको, ABC-D, ठीक है ना, क्या कन्वेंशन है, ABC-D। क्यों ये डैश लगाया जाता है, ये इस बात का सिंबल होता है कि पिरामिड का जो बेस है वो आपने क्या लिया है, ट्राइंगल ABC, ये डैश इस बात का सिंबल है, द बेस ऑफ द पिरामिड इज ट्राइंगल ABC, आप इसको लिख लो, बेस ऑफ पिरामिड इज ट्राइंगल ABC। डी पॉइंट हवा में है, ठीक है ना, और फिर डी पॉइंट को अपन ने क्या किया है, तीनों जो फर्श पर पॉइंट है उनसे अपन ने जोड़ दिया है, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ कुछ और चीज़ें जो है वो नोट डाउन करेंगे। लिखो, पहला चार वर्टाइसेस होती हैं इसमें, चार वर्टाइसेस कौन सी है, ABCD, ठीक है ना, चार वर्टाइसेस क्या है, ABCD। लिखो फोर सरफेसेस, चार सरफेसेस है, कौन सी है, चार ट्रायंगुलर सरफेसेस है, आप लिखना चाहें तो यहाँ पर चार ट्रायंगुलर सरफेस लिखते हैं, एक फर्श पर ट्रायंगल और तीन हवा में है ट्रायंगल, ठीक है, तीन हवा में है। आगे लिखो छह एजेस, ट्रायंगल में कितनी एजेस होती है, तीन, ठीक है ना, यहाँ पर कितनी है, छः, तीन तो फर्श पर है और तीन हवा में, यानी कि DA, DB, DC, DA, DB, DC क्या है, हवा में, और ABBCCA क्या है, फर्श पर, ठीक है ना। आगे लिखो वन सेंटर, ट्रायंगल बेटे ज़रूरी नहीं है इक्विलेटरल हो, है ना, ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है, कोई भी इक्विलेटरल हो, एक जनरल पिरामिड के अंदर, एक जनरल यू नो टेट्राहेड्रन में साइड्स इक्वल नहीं होती, रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या होगा, सभी एज लेंथ बराबर होंगी, सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे एंड ब्ला, समझ गए ना, सबसे सिमेट्रिक फिगर जो होगा, सारी एज लेंथ इक्वल, सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल, ठीक है ना, एक सिमेट्रिक सेंटर लिख लो, सेंटर ऑफ मास लिख लो, आप इस तरह से फिजिक्स से ये फील कर सकते हैं कि जहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा उस पॉइंट को बोला गया सेंटर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जैसे याद है आपको, अगर आपको किसी ट्राइंगल को भाई, कृष्ण भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, याद है, इस उंगली पर, तो आपको पता वो जो उंगली है, उंगली जो पहाड़ है ना, पहाड़ का ये जो पॉइंट है, ज़रूर पहाड़ का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के वर्टिकली ऊपर होगा, नहीं तो समझ गए ना, इम्बैलेंस हो जाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट था जानना कि कौन सी वर्टिकल लाइन है जिसके थ्रू सेंटर ऑफ मास पास हो रहा है, आप समझ, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना मैथमेटिक्स कैलकुलेट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। भाई फोर्स तो आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, पर फोर्स लगाने कहाँ पर है,
कौन से पॉइंट पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया होगा, ऑफ कोर्स वो इंटीग्रेशन आर डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम से, ठीक है। तो ये जो आपका सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ट्राइंगल के क्या होते हैं, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास, अगर कोई ट्राइंगल, कोई तख्ती पड़ी हुई है, सेंट्रोइड या सर्कम सेंटर, अगर किसी ट्राइंगल को आपको उठाना है बिल्कुल यूँ समझिए ना कृष्ण भगवान की तरह, तो आप सेंट्रोइड है, बताओ भी सेंट्रोइड है सर्कम सेंटर है, सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड। हाँ भाई आगे लिखो, थ्री पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, थ्री पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, थ्री पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस। हाँ भाई आइडेंटिफाई करो यहाँ पर तीन पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, ऑपोजिट एजेस वो होती हैं जो टकरा नहीं रही है, ठीक है ना। देखिए वेक्टर मूव कर सकता है, एक वेक्टर अपने पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, परंतु लाइन जो है, ये फिगर जो है, इसमें जो लाइन्स हैं दे आर फिक्स लाइन्स, आप समझ रहे हैं मेरी बात, लाइन्स जो है फिक्स्ड है, वेक्टर्स कैन मूव इन पैरेलल डायरेक्शन बट लाइन्स आर फिक्स्ड। जैसे आप देख रहे हैं AD, AD जो है और आपका BC जो है, क्या ये टकरा रहे हैं, नहीं टकरा रहे, ठीक है ना। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस क्या है, AD और BC, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एज क्या है, AB और CD, लिख लो AB CD, AD BC, इस तरह से आप लिख लो। एक हवा का ले लो, एक फर्श का ले लो, इस तरह से बनाते जाओ। तो AD हवा का है तो BC फर्श का है, CD हवा का है, AB फर्श का है, इस तरह से लिख लो। लिख लिया भी आप लोगों ने, आगे लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कितने तरीकों से वॉल्यूम लिखा जा सकता है, जैसे ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी, याद आ रहा है, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, तीन तरीकों से लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट, बेस आपका कोई भी आप साइड ले लो, ए ले लिया तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बी साइड लिया तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग, वैसे यहाँ पर भी आप जो है कोई भी एक ट्राइंगुलर बेस ले लो और उस ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड जो वर्टेक्स है वहाँ से उस ट्राइंगुलर सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो आपने जो परपेंडिकुलर डाला उस ट्राइंगुलर सरफेस पर, इसकी हाइट अगर h है, ठीक है ना, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, चार। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए ट्राइंगल ए बी सी, फिलहाल जो चित्र के अकॉर्डिंग जो है हाफ ए बी सी, सॉरी 1/3 ए बी सी इंटू एच है, और कैसे लिख सकते हैं बी सी डी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अलग हो सकती है, हाफ ए सी 1/3 ए सी डी और ए सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अलग हो सकती है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। और चारों से वॉल्यूम क्या आएगा, निश्चित रूप से चारों से वॉल्यूम सेम ही आएगा, ठीक है। आगे लिखो, लाइंस, हाँ इसी में अभी टेट्राहेड्रन नहीं चल रहा है, लाइंस जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रन टू द सेंट्रोइड्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस आर कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड जी। बेटे ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए, है ना, बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी, सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है सी, डी का पोजीशन वेक्टर डी।
भाई तुम बताओ ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब इसके ओरिजिन से नहीं होता, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है अगर उसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करें तो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से किसी के बस 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 इमोशन समझने वाली बात है। जिसने ओरिजिन बोल दिया, ओरिजिन तुम ज़्यादा बोल रहे थे ना, ओरिजिन को पॉइंट से जोड़ा, बस वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ दो, ओरिजिन इज इनिशियल पॉइंट, दैट पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, ये आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो मान लो अगर ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। आगे लिखो, अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर अभी आप लिखते रहो, मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन अ टेट्राहेड्रॉन straight lines joining the midpoints of each pair of opposite edges are also concurrent at the center of tetrahedron लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जो है एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस, उनको जोड़ेंगे तो वो भी कॉन्करेंट आएंगे, और आप जो पॉइंट को सेंट्रोइड से जोड़ेंगे इस प्रकार से चार रेखाएं आएंगी, पॉइंट डी को जोड़ा ए बी सी के सेंट्रोइड से, पॉइंट ए को जोड़ा बी सी डी के सेंट्रोइड से, तो चार लाइनें आएंगी, वो चारों लाइनें भी क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी, और इन चारों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और उन चारों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये क्या आएगा? सेम आएगा, और वो क्या होगा? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं अपन, है ना। मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं आपको फील करा रहा हूँ, और फील करके आपको प्रूफ भी दिख जाएगा, है ना, क्योंकि इस पर अपन टाइम खराब ना करें, इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, हाँ भाई, ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड कितना होएगा? क्या होएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 0 सेकेंड में दिख गया, ठीक है। और आपका पॉइंट डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? डी। हाँ भाई, अब चलो तुम बताओ, है ना, जो जी है ना वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है दिल्ली को और इस पॉइंट को? डी पॉइंट और इस पॉइंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? शांति बता लेगा, जी पॉइंट है ये, डी पॉइंट है ये, और एक पॉइंट है आपका एलिफेंट ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, ये तो जी पॉइंट डी और ई को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अरे जी पॉइंट डी और ई को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अरे वो सब अंग्रेजी मत भरो, मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती, मुझे तो बताओ ये सेक्शन फॉर्मूला क्या लग रहा है? जी पॉइंट दिल्ली और एलिफेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सिंपल, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें, मैं तो बहुत सरल सवाल पूछा है। हाँ भी चलो तुम बताओ, 2:1। अरे बाबा, कैसे कर लेते हो ये सब काम आप, हैं? ये ऐसे इतना मुश्किल काम इतना आसानी से आप कैसे कर लेते हैं? हाँ भी आयुष, क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? हैं? अरे जल्दी से कैसे, पता नहीं कुछ इसने क्या,
अरे कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? आओ आधा किलो दे देता हूँ मैं तुम्हें। अरे क्या आएगा, पागल हो क्या, इतना टाइम किसे लगा रहे हो? 3 × this, 1 × this, 1 × D/4 ये लिखा हुआ, ये क्या है, ये क्या था ये? अरे दिख गया ना आराम से। हाँ अच्छा, सेम चीज़ आप ये फील कर सकते हैं इसके अंदर की, जैसे ये डी पॉइंट था। अब पॉइंट ए देखिए, पॉइंट ए देखिए, और पॉइंट और ट्राइंगल बी सी डी देखिए ना। बी सी डी का सेंट्रोइड कितना होएगा, B+C+D/3, दिख रहा है? अब बताओ ए और ये जो सेंट्रोइड है इसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाए कि आपको सेंटर मिल जाए? अगेन 3:1। बिल्कुल कैसी कहानी चल रही है, ट्राइंगल के सेंट्रोइड वाली कहानी चल रही है। जैसे सेंट्रोइड क्या होता है, 2:1 में डिवाइड करता है, यहाँ पर क्या चक्कर चलता है, 3:1 का चक्कर चलता है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि ए पॉइंट और बी सी डी का सेंट्रोइड को जोड़ोगे तो कौन से पॉइंट से लाइन ज़रूर पास करेगी, इस पॉइंट से लाइन ज़रूर पास करेगी। तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं तभी तो वो सेक्शन फॉर्मूला लगा पा रहे हो। हाँ, और यहाँ पर भी आपका डी और इसको ई को जोड़ोगे तो कौन सा पॉइंट लाइन पर लाया करेगा, ये पॉइंट लाइन पर लाया करेगा। तो मैंने दिखा दिया आपको कि चारों लाइनें कट कर रही हैं, सही है ना? हो गया प्रूव। ओवर कितने हो गए और रन कितने हो गए? रन और ओवर कितने हो गए? अरे अब तो अब बारिश हो गई है। ये सेंट्रोइड वाला तो वो आ रहे हैं, बना रहे हैं उस पर आ रहे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं उस पर। यहाँ तक कोई डाउट कि सेंट्रोइड को जोड़ा, वर्टेक्स को जोड़ा, लाइन पर एक पॉइंट है 3:1 और चारों लाइनें हैं उन पर 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सही है? तो चारों लाइनें इस पॉइंट से पास कर रही हैं, चारों लाइनें कॉन्करेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, दोबारा पढ़ो उसको। क्या है, लाइंस जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ सेंट्रोइड, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ईच पेयर। हाँ बेटे, ए डी का मिड पॉइंट, चलो भाई ए डी का मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। ए डी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए प्लस डी बाई टू। बी सी का मिड पॉइंट कितना होगा, बी प्लस सी बाई टू। हाँ भाई अभी तुम बताओ इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। अरे यूँ यूँ कर दो ना, यूँ कर दो बस, हर बार बोलने की जरूरत थोड़ी ना है, यूँ कर दो। हाँ अभी ए डी और बी सी आपके क्या है, ऑपोजिट एजेस है, दोनों के मिड पॉइंट का मिड पॉइंट कितना आ रहा है, सेंटर आ रहा है। सिमिलरली ए बी और सी डी, ए बी का मिड पॉइंट क्या आ गया, ए प्लस बी बाई टू, सी डी का सी प्लस डी बाई टू, उन दोनों का मिड पॉइंट कितना आ गया, ए बी सी डी बाई फोर। तो मैंने आपको दिखा दिया, क्या दिखा दिया, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे, इसके मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे और बी डी और ए सी के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो ये तीन लाइनें आएंगी। भाई इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को जोड़ा आपने, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों लाइनें मैंने आपको दिखा दी, तीनों लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, ठीक है ना। तो सेंटर जो है वो इस तरह से भी निकाला जा सकता है, इस तरह से भी निकाला जा सकता है। ये दोनों लैंग्वेज लिखने का रीज़न ये है कि आप एक दूसरे को फ़ोन ना दिखाएं, फ़ोन ना दें, ठीक है। ये दोनों लाइनें ये लिखवाने का रीज़न ये है कि कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, पॉइंट सी दे दिया, पॉइंट डी दे दिया और पूछा फाइंड दैट कोऑर्डिनेट विच वी विल गेट आफ्टर अ लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट ए टू द सेंट्रोइड ऑफ बी सी डी एंड लाइन इंटरसेक्टिंग एट इंटरसेक्टिंग विद लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग बी टू द सेंट्रोइड ऑफ दिस। तो आप चक्कर खा के गिर मत जाना, वो क्या कह रहा है, सेंटर बोल रहा है वो, ठीक है ना। या ऐसे बोले कि चारों के कोऑर्डिनेट दे दिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, समझ गए, इसका मिड पॉइंट कौन से, इसका मिड पॉइंट कौन से, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज इसलिए लिखाई गई है ना।
तो सवाल बहुत बड़ा कर देता है एग्जामिनर, पर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए ना।